एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ की एक और कोशिश को भारतीय सेना ने किया नाकाम, डर कर भागे घुसपैठिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकियों की एक और घुसपैठी को नाकाम कर दिया है। सीमा पार से आए आतंकियों को सेना ने अखनूर सेक्टर में खदेड़ दिया। पिछले चार दिनों में सेना ने आतंकियों की तीसरी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। कल रात को नौशेरा सेक्टर में भी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने उसे भी नाकाम कर दिया था। नौशेरा में एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, जबकि विस्फोट में दो की मौत हो गई है। नौशेरा के झंगर सेक्टर में तैनात जवानों ने 21 अगस्त की सुबह एलओसी पर दो से तीन आतंकियों की घुसपैठ देखी थी। उनमें से एक आतंकी भारतीय चौकी के पास आया और बाड़ काटने की कोशिश की। जब जवानों ने उस पर फायरिंग की तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और पकड़ा गया। इसके साथ आए दो और आतंकी जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए। सेना से मुठभेड़ में घायल हुए आतंकी तबरक हुसैन को भारतीय सेना ने साल 2016 में भी गिरफ्तार किया था और 26 महीने की जेल काटने के बाद उसे पाकिस्तान सरकार को सौंप दिया गया था। अप्रैल 2016 में भी तबरक हुसैन ने अपने दो साथियों के साथ नौशेरा सेक्टर से ही घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उस वक्त तबरक और उसका साथी हारून अली गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन उनका तीसरा साथी पीओके वापस भागने में कामयाब हो गया था। तबरक और उसके साथी हारून अली को 26 महीने भारत की जेल में काटने के बाद पिछले साल अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान सरकार को सौंप दिया गया था, लेकिन रविवार को एक बार फिर वो सुसाइड मिशन के लिए भारत में घुसपैठ करने के लिए नौशेरा सेक्टर पहुंच गया। इस बार वो भारतीय सेना की गोली से घायल भी हो गया। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।